पूर्व मंत्री और सुनील मित्तल जी आ गया। सुनील मित्तल जी आगे जाना होगा, अगर जो उपाध्याय साहब ने कहा है आप धीरस हो गए तो हो सकता है हम बाद में पछताएं, ऐसा आप नहीं करेंगे। खेती कुछ समस्याएं हैं जो मेरे तक आई, वो सब हो गई। पहले 100 करते हम 1000, उसके आप ध्यान दें। दूसरे बंधनों ने आतंक मचा रखा, बंध्याकरण के लिए नगर निगम में इतना पैसा आया और उसका सही उपयोग नहीं हुआ। और अब मेयर की प्रत्याशी, मेरा नाम ओम शंकर है, मैं संस्कार भारती और अगवा संघ के संयोजक भोपाल जी का सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री श्याम तिवारी। और सुनील मित्तल जी आ गया। सुनील मित्तल जी आ गया हमारी महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती हेमलता जी, हम सबके नेता और जिनके सानिध्य में, जिनके चरणों में हमने बहुत सी राजनीति की और भाषाएं सीखी है, ऐसे चौधरी उदयभान सिंह जी, यहाँ अग्रवाल समाज के पुरोधा ब्रजमोहन जी, टीएन अग्रवाल जी, सुनीता जी, रेणु जी, प्रेम जी, राकेश जी, रमेश जी, उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा सना मांगे आते बहुत देर में, तो काव्य में कहा है तो मैं भी काव्य में कुछ कह लूं, इजाजत हो तो। मैं जानता हूं आप हुनरमंद हैं, हुनर है आप में पर हुनरमंद भी आप। मुझे आज सुबह ही दिगंबर सिंह जी ने कहा कि आपको यहाँ पहुंचना है, जबकि मैंने अपने आप ही एक मीटिंग खुला रखी थी इसी संदर्भ में, तो उनके जो जिज्ञासाएं थी वह कहना, उनको सुनकर उनका समाधान देना और अपनी बात कहना, इसमें लगी देर, तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा दो पंक्तियां कहते हुए कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी तो यू ही बेवफा नहीं होगा। और सुंदर, वेरी गुड, आइए स्वागत करें, ये हमारी बढ़िया देर पढ़ाया आपने, हमारी मजबूरी थी, इसके लिए माफी मांगता हूँ। देखिए बहुत चुनौती का समय है, ये 3 सरकारें होती है, नगर निगम यानी ग्लोबल सरकार जिसके प्रतिनिधि आप चुनते हैं पार्षद और मेयर, लखनऊ सरकार जो प्रदेश से संबंधित कार्य होते हैं उनके लिए आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक जो आपकी आवाज को सदन में भरन करता है, हल कराने का प्रयास करता है। तीसरा दिल्ली सरकार जिसके लिए आप अपना प्रतिनिधि सांसद चुनते हैं और वो दिल्ली संबंधित समस्याओं के लिए आपका प्रतिनिधित्व करता है। अब लोकल सरकार का चुनाव है जहां दिल प्रतिदिन की समस्याओं से रूबरू होते हैं आप और वो उनका हल निकालते हैं, उसी चुनाव के संदर्भ में आप लोगों से वार्ता करना चाहता हूं। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव करते समय 3 कसौटी मेरे दिमाग में रहती है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला, उस पार्टी को जिसको हम वोट दे रहे हैं उसका नेतृत्व कैसा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक किसी बैठक पर था, काफी है देने के लिए, बाकी बहुत से उदाहरण है, और जगह भी जाना नहीं तो हर अनंत हरि कथा अनंत मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के सैनिकों का सरकार के भेजा गया था और हमारे प्रधानमंत्री प्रेम पत्र लेकर एक था पाकिस्तान, ये बड़ा दुखद है, बड़ा निंदनीय है, भर्सना योग्य है और ये कहकर अपनी नीतिशील कर रहे थे। आम जनमानस दिल में रहा था, आप सबके दिलों में आग लगी होगी कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारा नेता प्रेम पत्र लेकर अपने कर्तव्य नीतिशील समझ रहा कर रहा था और जनता दिल मिला कर रही थी, मन महसूस कर रही। दूसरा उदाहरण, मोदी जी के समय
तो पुलवामा हुआ तो अंदर घुसकर मारा है, अंदर घुसकर मारा है, ये दिया है। 70 किलोमीटर सेना ने घुसकर मारा है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खौफ 700 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गया, ये दिया है, ये काम किया। हम उन कामों के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं जो काम हमारे नेताओं ने किए। अंतिम छोर पर अगर सोचे तो गैस लीजिए, आयुष्मान कार्ड लीजिए, राशन के वितरण लीजिए, जाने जाने कितने काम, शौचालय लीजिए, बेघरों को घर लीजिए। इससे पहले क्यों नहीं समझा किसी सरकारों को, क्यों नहीं महिलाओं को उस दर्द को समझा जो महिलाएं भोगती थी चूल्हा, एक बार के खाने में 100 सिगरेट के धुओं को इनहेल करती थी, आंखें फोड़ती थी, फेफड़े खराब करती थी। हमारे नेता ने क्यों समझा था, क्यों उनको सुधा दी, क्योंकि वो जनता के दर्द को समझते हैं। यहीं से उतरे हैं वहां तक, वो चाय बेचते हुए वहां पहुंचे हैं, किसी सोने की चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए कि वहां उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे तो उनके बाबा भी थे तो वो भी बनेंगे, ये नहीं है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये हमारे यहाँ। इसलिए हम काम हमारे उत्तम नेता, हमारे सर्वोत्तम और प्रत्याशी एक तो आपने अपने विरोध चुन लिए, लेकिन इसमें दो जनों का शुक्रिया हम सब किया, मैं आप सबकी ओर से अदा करना चाहता हूँ, शमा जी का और सुनीता जी का, जिन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि ये जयपुर हाउस भारतीय जनता पार्टी की राजधानी कहलाता है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश क्षेत्र कार्यालय, महानगर कार्यालय, माधव भवन और हमारे उदयभान सिंह जैसे नेता का आवास। जब इतना ये गढ़ हो और यहां पर निर्विरोध ना हो, ये एक समाज सेवा, इसलिए प्रत्याशी हमारा सर्वोत्तम। तो तीनों कसौटी पर जब खड़े उतर रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करने का हक रखते हैं कि आपसे अनुरोध कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, और आपको तो सुविधा यह है कि एक मशीन होगी आपके यहाँ पर, वरना हर जगह दो मशीन होंगी, या एक होगी सिर्फ महापौर के लिए, उसमें कमल का निशान होगा, बटन दबाइएगा, महापौर को जिताना है। ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, डबल इंजन सरकार आप देख रहे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए हमको। पार्षद आप दे चुके, हमें महापौर और चाहिए। गर्मी का मौसम है, इसलिए कोशिश करिए 11 बजे से पहले मतदान, बाद में जलपान। यहाँ पे महिलाओं से अनुरोध है कि अपने अपने घर में कह दें कि भैया पहले वोट डाल के आओ, तब नाश्ता मिलेगा। खुद वोट डालें, परिवार से डलवाएं, पड़ोसी से डलवाएं, रिश्तेदार से डलवाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। धन्यवाद।